ताड़ इसे क्या करते हैं? खाते हैं। आप भी खाते हो? गड़ी है, गड़ी है? नहीं यार, गड़ी नहीं होता है। होता है, देखिए तेल गड़ी है। ये गड़ी नहीं, इसके अंदर कुछ निकलता है पीला पीला कलर का, पीला कलर का ना आम है, इसके अंदर आम है। फिर उसके बाद गड़ी से काट के निकाल। किस किस कलर का पानी दिखाई देता है? ये गंगा जी है। ये गंगा जी है, ठीक है। जमुना जी का पानी थोड़ा नीला है। जमुना जी का पानी नीला है। और सरस्वती जी का है हरा कलर का, उनका हरा कलर का। आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और साथ में आपके बारे में बताएंगे हम कि आपसे मिले हम, अच्छा लगा मिलकर। और मेरा प्रधान भी है हमारे चाचा श्री जयचंद पंडित। हम लोग को कोई टेंशन है ना, हम डिंग डांग करते हैं, मस्ती करते हैं, इस वोटर लाइन में करते हैं। हमारे पास बिजनेस भी बहुत है। हमारे पास दो से जैसी भी है, 12 से ट्रैक्टर, 4 फोर व्हीलर भी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, आप लोग के आशीर्वाद से। चाचा विधायक हैं इनके। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं स्वयं हूँ बनारस में। जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा होगा कि मैं गाजीपुर टू बनारस किया था 80 किलोमीटर की यात्रा, तो मैं आज रात को बनारस में ही रुका था और मॉर्निंग में ही मैं निकल गया हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकल गया हूँ फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद से थोड़ा सा इधर रहेगा 30-40 किलोमीटर पीछे, आई थिंक हो भी सकता है कि मैं इलाहाबाद भी पहुँचूँ। यहाँ से 135 किलोमीटर दूरी है इलाहाबाद की, तो अभी देखते हैं मैं कहाँ तक आज की यात्रा तय कर पाता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आपको लेह लद्दाख का ये ट्रिप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा इधर साइड में साइकिल पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग मेरा फुल वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो वीडियो का ड्यूरेशन होता है बहुत ही कम रहता है। आप लोग के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। आप लोग जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही वीडियो शूट करूँगा। आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा फुल वीडियो को वॉच करें और मिलते हैं दोस्तों इस रोड ट्रिप पर, ठीक है। हमारा साइकिल है, देख सकते हैं यहाँ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आज थोड़ा सा झंडा मैं नीचे कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ जाता था और काफ़ी चलाने में प्रॉब्लम होती थी। अभी क्या है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, नीचे बांध दिया हूँ ये जो साकर होता है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल में हैं खजूरी, ये जो पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा ढाबा बोल सकते हैं, ये ढाबा पर आए हम खाना खाने के लिए। और यहाँ पर अपनी साइकिल लगा हुआ है, और ये जो पीछे देख रहे हैं ये NH19 से जो कि ये जाएगा इलाहाबाद के साइड में, और हमको इलाहाबाद यहाँ से 110 किलोमीटर पीछे था। अभी देखते हैं, हो सकता है 10 किलोमीटर क्रॉस कर लिए होंगे, तो 100 किलोमीटर अभी इलाहाबाद बचा हुआ है। और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बोले हैं, तो अभी देखते हैं खाने में क्या आता है। यहाँ पे 120 रुपये थाली था, तो हमें अंकल जी ने बताया कि चलिए 100 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है। तो अभी खाना आता है, खा के बताते हैं कैसा है। और फिलहाल में आज का डेस्टिनेशन है हमारा इलाहाबाद का, अभी यहाँ से 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर समथिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है खाना, जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे दाल है, पनीर की सब्जी है, रोटी, चावल, सलाद, ठीक है, अचार भी है। और अभी इसे खा के ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम इस समय पे हैं इलाहाबाद से केवल 80 किलोमीटर पीछे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आज इलाहाबाद भी मैं क्रॉस कर दूँगा। अभी बज रहे हैं 12, करेक्ट 12 बज रहा है, और लग रहा है कि इस बार इलाहाबाद भी आज कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कितना चला पाता हूँ साइकिल, बाकी मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ा थक गए हैं ऐसा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन क्या है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप था तो इसीलिए थकान जैसा हो गया, लेकिन अभी मौसम ठंडा हो गया तो अभी चलते हैं। यदि मौसम ठंडा रहता है तो चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन मौसम जब गर्म हो जाता है, धूप निकल जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता है। तभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, बस ऐसा ही मौसम बना रहे, बादल लगा रहे। और ये क्या है ना, आज ना सामने से हवा चल रहा है तो साइकिल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
दोस्तों अभी हम लोग सियारामपुर पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ मौसम है जो कि मौसम काफ़ी बढ़िया और सुहाना हुआ। वो 6 लेंथ है। प्रचार करने वाले अच्छा अच्छा देखने में लगता है कि हम प्रचार करने वाले हैं ना। कौन चीज़ का? कंपनी का ना। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम आदित्य नाम है। कहाँ जा रहे हैं? अरे इधर आइए महाराज, उधर कहाँ जाते हो? अरे आओ। ये कौन सा जगह है भैया? लाला नगर। लाला नगर, और यहाँ पे बगल में टोल प्लाजा है ना। जैसा कि ये NH-19 है और मैं इसी से ट्रेवल कर रहा था, और ये भैया लोग कुछ मिले हैं हमसे और पानी ऑफर किया इन्होंने, बिस्कुट भी लाया। आप लोग का नाम क्या है भैया? मेरा नाम पंकज कुमार। आप लोग का भैया? मेरा नाम बबलू है भैया। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? लाला नगर टोल प्लाजा। और ये टोल प्लाजा। आपका नाम क्या है भैया? योगेश यादव। यहीं पर रहते हैं ना? यही देख के काटते रहते हैं भैया, बच के रहिएगा यहाँ पे। और ये सारे लोग भाई लोग हैं। आप लोग का नाम क्या है? मेरा नाम पवन शुक्ला है। कुछ यहाँ के बारे में कहेंगे? यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मेरा भाई कहेगा। क्या अभी तो बोल रहे थे बहुत कुछ कहने के लिए। यहाँ कुछ नहीं है, आगे पीछे चलेंगे तब है। अभी का सीन ऐसा है दोस्तों कि ये देख रहे हैं यहाँ पे सामान वगैरह पूरा रख। ये कौन सा जगह है भैया? ये गोपीगंज है, मधुबनी जिला। ये गोपीगंज है ना? मधुबनी जिला है और गोपीगंज है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस पे जब सामान हम रख रहा हूँ तो ये पूरा टायर में आके लड़ जा रहा है, तो इसी को कुछ भैया जुगाड़ लगा रहे हैं कि यहाँ से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। देखते हैं क्या इसे करते हैं कि नीचे नहीं जाएगा, है ना भैया? पूरा अभी रास्ते में ये कौन सा जगह है भैया? भेटी ना बाजार है। ये भेटी बाजार है और हमसे ये दो भाई मिले हैं। आप लोग का नाम क्या है? सुनील कुमार गुप्ता। विजय कुमार यादव। ये यादव जी हैं, काफ़ी जोश में भैया आए, हमसे बात किए और बोले कि हम लोग का भी वीडियो में लीजिए। हम बोले क्यों ना, आप ही लोग के लिए मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं लद्दाख तक जा रहा हूँ। ये कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे? प्रधान भी है हमारे चाचा श्री जयचंद पांडे। हम लोग को कोई टेंशन है ना, लोग डिंग डांग करते हैं, मस्ती करते हैं, इस वोटर लाइन में करते हैं। हमारे पास बिजनेस भी बहुत है। हमारे पास 2 JCB 12 ट्रैक्टर, 4 4-व्हीलर भी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, हम लोग के आशीर्वाद से। चाचा विधायक हैं इनके। ये सब बात ही हुआ, इन्वाइट कर दिए खाना के लिए। हम बोले चलिए चलते हैं। हम बोले भैया कि मैं विदाउट मनी में ट्रेवल करता हूँ और विदाउट मनी ही खाना खाता हूँ। भैया बोले कि चलिए हमारा ही होटल है, चलते हैं, खाना खिलाते हैं आपको। तो स्पेशल खाना इन लोग मंगवा रहे हैं, खाली है और खाते हैं, देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा भोजन आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे भोजन। ये भोजन है हमारा, ये आलू परोर की सब्ज़ी है, मिक्स सब्जी है, ये 2 रोटी है, दाल तो बड़ा स्पेशल लग रहा है भाई साहब, और ये है सलाद, ठीक है, और दही भी आर्डर किया, दही भी आता है तो दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा इनका होटल है। कहा नहीं ज़्यादा दोस्तों, अब तो खाना पड़ेगा भाई, भूख भी लगाते भी। आप लोग के लिए पहले गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी जस्ट सुबह के बज रहे हैं 9, और मैं अभी 1 घंटे पहले ही जगा था, 8 बजे मैं जग गया था। और क्या हुआ, पूरा बॉडी दर्द कर रहा था, रात को नींद आई, बस मैं सो गया, एडिट भी नहीं कर पाया वीडियो। मैं ना तो हर शाम को एडिट करके अपलोड कर देता हूँ कि जो मॉर्निंग में पोस्ट हो जाता है। अभी क्या है कि जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी एडिट करूँगा, अभी पोस्ट करूँगा। और रात को थकने के कारण बस बहुत ज़्यादा मैं कल थक गया था, क्योंकि कल हम 86 किलोमीटर साइकिल चलाए, कल बनारस चेतगंज से, और आज हडिया एक है इधर रास्ते में पड़ता है, हडिया ही रुके हैं, तो इतना दूर तक मैं साइकिल चला के आया। तो काफ़ी सामने से देख रहे हैं, एक लाइन इधर आ रहा है और एक लाइन इधर जा रहा है, इधर ये इधर जा रहा है। ये वाला जो लाइन है ये आपका सीधे कानपुर जाएगा, ठीक है,
बाईपास, ये बाईपास लाइन बना है, बाईपास शहर से बाहर बाहर ही बन चुका है। और ये जिस पे मैं चल रहा हूँ ये चलेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद में जा रहा हूँ, इलाहाबाद इसलिए जा रहा हूँ कि ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला, इससे हम बाईपास मतलब शहर से बाहर बाहर निकाले तो 80 किलोमीटर हमको फालतू में चलना पड़ेगा। और ये मैं 2-3 घंटे में तय कर लूँगा, इलाहाबाद मार्केट से सीधे मैं NH-19 तो फिर से ये आएंगे जाके मिल जाता है। तो मैं अभी फिलहाल में ये लाइन चूज़ किया हूँ, तो मैं सोचा आप लोग को भी बता देता हूँ, यदि कोई भाई ट्रेवलर हमारे इस रास्ते से आएंगे तो इससे चूज करेंगे, क्योंकि ये बढ़िया है। मैं 2-3 लोग से बात करके अच्छे से तब जा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं चढ़ाई स्टार्ट किया था वहाँ से लद्दाख वाली चढ़ाई दोस्तों, आज चढ़ा हूँ ये जो देख रहे हैं ऐसे, अभी इससे जूम कर ले रहा है, सॉरी, पूरा यहाँ से और ऐसे पूरा ऐसे राउंड मार के अभी आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, और इसमें गियर है तो काफ़ी फायदा है मेरे भाई, गियर नहीं रहता तो आज तक एकदम फट जाती मेरी, गियर से बहुत ही आसान पड़ रहा है साइकिल चलाना। अभी चलते हैं, रास्ता बिजी है तो नीचे उतरेंगे, ठीक है, हम रिलैक्स कर लेते हैं तब तक। ये भाई का ये भैया, एक और है भैया लेकिन वो नहीं है इससे मान लीजिए। और भैया ने बात किया, आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक। और इन्होंने हमें कुछ डोनेशन भी दिया, तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा। और आप कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे हम जी, आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और साथ में आप के बारे में बताएंगे हम कि आपसे मिले हम अच्छा लगा मिलकर। और मेरा मोटिव है सेफ्टी से वाटर को लेके, तो आप कुछ उसके बारे में बोलिए लोगों को। तो मैं इस आपका जो उद्देश्य है उसके लिए लोगों को मोटिवेट करूंगा, साथ में बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों करना ज़रूरी है। जी जी जी। अभी हम लोग जा रहे थे इसी रास्ते से, अभी आगे जाएंगे तो NH-19 हमारा मिल जाएगा। अभी हम लोग इलाहाबाद मार्केट में नहीं घुसे, मेन सिटी में अभी बाहर ही थे, तब तक एक भाई को देखा, दो लोग भाई को थोड़ा अपना ये लिफ्ट प्लीज वाला बोर्ड दिखाइए। ये चीज़ देख के समझ सकते हैं कि कुछ अलग कर रहे हैं भैया लोग, और इसे ये सब तो हम बहुत काफ़ी किए हैं, हमें देखे याद आ गया कि ये भैया लोग क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा हम भी चले मिलते हैं और आप लोग को भी मिलाते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ। आप लोग ये दोनों भाई जी हैं, आप लोग का नाम क्या है? तांशु राजन सोलंकी। ये भैया लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेवल विदाउट मनी लिफ्ट। हाँ। लेके हमारे ही तरह, ठीक है। और देखे काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को, और ये हमारे हमसे ये बहुत पुराना याद जुड़ा है लिफ्ट से। और हम भी इसे अभी जस्ट मैं ले से आऊँगा तो मैं भी ऐसे ही ट्रेवल करूँगा, ये ले के लिए मैं बस साइकिल चूज किया हूँ, बाकी अच्छा लगेगा तो साइकिल से भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट कर भैया हमारे गुरु जैसे काम। अरे पता नहीं था, हम लोग स्टार्टिंग हम लोगों की बहुत सारी टिप्स दी हैं उन्होंने कि कैसे ट्रैवल करना चाहिए और कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि भरी गर्मी में है ना, आप लोग जा रहे हैं वैसे उड़ीसा। हाँ, थोड़ा सा प्लान ड्रॉप कर दिया, निकलेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक्सपीरियंस के मामले उम्र नहीं, हम कहेंगे इंसान का हमेशा एक्सपीरियंस ही बताता है। अच्छा लगा वैसे आप लोग से मिलके, और आप लोग जो लिफ्ट मांग रहे हैं ना, दिल खुश हो गया हमारा, कसम से बता रहे भैया, मतलब बहुत दिन हो गया ऐसे देखे हुए, कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, इधर अच्छा। अपना इधर टाइम उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग हैं जो चैकिंग करते हैं, अदर जगह पे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग हैं, और आप लोग जो देख के बहुत सारे मोटिवेट होकर लोग निकलेंगे। सही बात है, बस आप लोग कंटिन्यू इस पे बने रहे, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक लंबा दूरी तय करेंगे, हमको पता है। और यूट्यूब पे आप लोग दोनों लोग बता दीजिए कैसे एक्टिव हैं। मेरा एक चैनल है बैकपैकर प्रांशु के नाम से यूट्यूब, और इंस्टाग्राम आईडी है प्रांशु स्वामी के नाम से है जी। आपका भैया? मेरा ब्लॉगस्टर RJ BLOGSTER RJ, ये है यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे है राजन सोलंकी रियल। बैकपैकर की स्पेलिंग है आप देख लीजिए, BAG है बैकपैकर, BAGPAC। कर लेंगे हम, कर देंगे आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोग का चैनल, तो जाके जरूर भैया लोग को सपोर्ट करना, और देखना भैया लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। एक हमारी फैमिली में और ऐड हो गया, हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐड हुए। अच्छा लगा उसे आप लोग से। सही बात है, भगवान करे कि आप लोग की यात्रा मंगल में हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक लद्दाख के लिए, और भैया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैला दीजिए वाली वीडियो, ठीक है, सारी वीडियो उनकी देखिएगा। ओके, बाय 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 बाय। तो भैया अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग आ गए हैं प्रयागराज, और ये जो पुल है यहाँ से बिल्कुल सामने संगम दिखाई देता है उधर साइड में, जो कि पानी नीला हो रहा है ना भैया, और कौन सा कलर का है? गंगा जमुना सरस्वती यहीं से शुरू। किस किस कलर का पानी दिखाई देता है? ये गंगा जी है। ये गंगा जी है, ठीक है। जमुना जी का पानी थोड़ा नीला है। जमुना जी का पानी नीला है, और सरस्वती? हाँ, सरस्वती जी का है हरा कलर का, उनका हरा कलर का।
अभी हम लोग बैमरोली में, ये सामने NH जाएगा हमारा 19 के लिए, और ये भैया लोग हैं, ये देख रहे हैं, ये भैया दोनों लोग ऑफ़र किए हमको, ये पनीर डोसा है यहाँ पे, और भैया लोग, ये भैया गाजीपुर के रहने वाले हैं, ये भैया बनाया है पनीर डोसा। आप ही बनाए हैं ना ये, कौन बनाया, आप क्रेडिट पा गए फिर तो। कोई और बनाए, बाकी यही है, ये भाई सही है जो कि गाजीपुर का रहने, गाजीपुर में आप कहाँ का रहने वाले हैं भैया, भावरपुर। भैया देखे और काफ़ी खुश हुए, हम भी इनको देख के काफ़ी खुश हुए कि अपने ज़िला के कोई है, मिल गया। ऐसे बहुत सारे लोग आते समय रास्ते में मिले हमको, अच्छा लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? कितना टाइम हुआ? अभी हमको 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल 14 स्टेट का ट्रेवल कर चुका हूँ। लद्दाख के लिए निकले तो कितना वक्त लगेगा आपको लद्दाख पहुँचने? अभी 30 दिन का टारगेट दिए थे, अभी हमको 28 दिन और लगेगा, 2 दिन हो गया। दो दिन लगा। और हमारा मोटिव है सेफ्टी री सेव वाटर के लिए, कुछ कहेंगे आप लोग? सेफ्टी री सेव वाटर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अभी आप जहाँ पे जा रहे हैं उत्तराखंड वगैरह में, जी जी, सेव ड्रिंक के लेके काफ़ी मुहिम चला था 1980s में, तो वहाँ को भी आप डिस्कवर कीजिएगा। अभी आप जब वहाँ पे जाएंगे, बेसिकली चमोली करके जगह पड़ रहा है, तो पेड़ वगैरह को लेकर काफ़ी वहाँ पे जागरूकता है, नॉलेज है लोगों के। बट आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप अभी हाईवे से जा रहे हैं तो थोड़ा थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बात बताया हमको। तो ये हैं जो आपके BS यात्री। मेरी सभी श्रोता जनों से भारी निवेदन है, सपोर्ट करें इन्हें। बेसिकली इनका मोटिव यह है विश्वजीत सिंह जी का कि ये बिना पैसे का अभी गाजीपुर से लद्दाख जा रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इनके बेसिकली इन्हें कितने स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब होते हुए ये जाएंगे जम्मू कश्मीर, और वो भी लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और मैं बेसिकली, मैंने और मेरे भाई विकास चौधरी ने इन्हें ऑफ़र किया है, बेसिकली रास्ते में मिल गए, हम लोग यहीं बगल के ही हैं इलाहाबाद बमरौली क्षेत्र के, और हमने देखा इनका साइकिल की बेसिकली काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं BS यात्री, हमने, और काफ़ी प्राउड फील होता है कि अपने एज के हैं और इतना हार्ड वर्किंग हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सो ये लोग हैं बेसिकली स्टाफ यहाँ के, और ये जो दुकान का नाम क्या है, टेस्ट ऑफ प्रयागराज। अगर ये जो भी हमारे जो भी BS यात्री के सब्सक्राइबर इलाहाबाद से हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए टेस्ट ऑफ प्रयागराज, ये बमरौली के पास है, इलाहाबाद का सबसे फेमस पनीर डोसा यहाँ पे मिलता है, और ये लोग यहाँ के बेसिकली स्टाफ हैं। आप ये देख सकते हैं, ये होटल अभी बेसिकली रेस्टोरेंट खाली से लिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा, अभी कोचिंग वगैरह से बच्चे छूटे नहीं हैं। और ये हमारे जो बेसिकली BS यात्री के एडमिन, अभी इनका आगे क्लच ये है कि बेसिकली ये जाएंगे विकास कौसाम्बी, कौसाम्बी होते हुए कानपुर होते हुए ये अपना रूट पकड़ेंगे लद्दाख के लिए। और ये आप पनीर डोसा देख सकते हैं कैसा टेस्ट है, क्या रेट करेंगे आप 10 में से इस पनीर डोसा को? पूरा 10 में 10, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये हमारे विकास चौधरी, ये भी गाजीपुर से हैं तो इनका अलग ही लगाव है। अभी का सीन ऐसा है दोस्तों कि भैया लोग लाए थे हमको यहाँ पे खिलाने के लिए, और बेसिकली हम तो खा लिए हैं, और ये भाई साहब है जो कि अभी वहाँ पे, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये भैया लस्सी अभी दे, चलिए ये भी हो जाएगा, अच्छा लगा भाई। थैंक यू सो मच। बाय। बज रहे हैं 8:30 और मैं अभी लगता ट्रेवल कर रहा हूँ, अभी NH 19 नहीं आया है जो कानपुर के लिए आता है, अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और मैं आया एक छोटा सा टी स्टॉल देख रहे हैं ये हमारे पीछे, ये मनोहरगंज है, और ये भाई साहब इनके ओनर हैं जो कि जा रहे थे हमें चाय ऑफर के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, तंदूरी चाय यस
तंदूरी चाय का और काफ़ी अच्छा लगा। ये कौन सा जगह पे है? ये मनोहरगंज मोड़ पड़ता है। तो यदि आप लोग इस रास्ते पहले यदि आप लोग इस रास्ते से ट्रेवल करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए भैया के बीजे। दोस्तों आज आज के रात जो है यही जो टील स्टॉल है यहीं पर रखेंगे, ठीक है। ये मोहित भैया है ना, मोहित नाम है ना भैया आपका, तो मोहित भैया का ही आज टी स्टोर पर रुकेंगे और अभी हमको ये ब्रेड लाए हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया ऑफर करने के लिए। चाय आ रही है और चाय अभी बना रहे हैं भैया। और यहाँ पे ना मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इनका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप लोग इधर रास्ते से निकलते हो तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। इनका जो चाय है ना भाई, पी लेंगे तो याद करेंगे इनको, कहीं ना कहीं मोहित भैया का चाय पिए थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, अच्छा लगा तब मैं बता रहा हूँ।